घर नहीं मिला है और घर लाने मुखिया कदा 30,000 पहले रुपया चाहिए हमें। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल नहीं रहा है, उससे पहले घूस मांगा जा रहा है। घूस मांग रहा है, क्या बोल रहा है आपके जनप्रतिनिधि? वो बोलता 30,000 पहले दो तो आपके पास करे, हमको 30,000 खाने लिए पैसा नहीं तो उसको हम कहाँ से पहले दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार, हम आपके साथ है सौरभ चौधरी। अभी हम बछौली पंचायत में वार्ड नंबर 7 में आसीन है, यहाँ वार्ड नंबर 6 में आसीन है। यहाँ की जनता मोहताज है विकास के लिए, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में विकास है नीतीश कुमार है। आइए यहाँ की जनता से हम जानते हैं कि यहाँ की जनप्रतिनिधि मुखिया जी विधायक जी ने अभी तक अपने कार्यकाल में यहाँ के क्षेत्र के लिए इस वार्ड के लिए क्या किया है, क्या किए हैं आपके मुखिया जी आपके क्षेत्र में? अभी मुखिया जी से हम लोग कोई सेवा नहीं मिला, नहीं विकास मिला है और नहीं विधायक जी से। मुन्ना जी दो बार जीत गए। कौन मुन्ना जी? अशोक कुमार मुन्ना मंडल। आप लोग प्रेजेंट विधायक हैं? प्रेजेंट विधायक वार्ड से विधानसभा से हैं। और बिजली की सुविधा अभी तक नहीं है, बिजली प्रॉब्लम है, रोड नहर प्रॉब्लम है और गरीब गुरबा जो है क्या कहता है इंदिरा आवास तक नहीं मिला है। हम कहे नीतीश कुमार हम 7 निश्चय के लिए रोजगार को, बेरोजगार है अभी रोजगार होता है रोजगार देंगे, अभी तक कोई सेवा नहीं मिला, नहीं रोजगार मिला है, नहीं युवा के लिए पढ़ाई लिखाई में कहा क्रेडिट कार्ड है ये है वो, 7 निश्चय का भी हम लोग कोई सेवा नहीं मिला है। यहाँ का जो पर्सनल है वो बोलिए, घर जो है यहाँ पे देख रहे हैं फुटपाथ का है, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है उनके द्वारा आवास मतलब नहीं दिया गया है? नहीं दिया गया। क्यों? अब क्योंकि वह वही जाने कहे कि इधर से नाम तक हटा लिखा ही नहीं, जोड़ा ही नहीं है, है? और जाते हैं तो कहता इधर का नाम है ये नहीं है, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल रहा है इंदिरा आवास, जिनको मिलना चाहिए। क्या दिक्कत है आपके क्षेत्र में? ग्रामीण को बात जो है तो मुखिया जो है जीतने के बाद एक बार भी नहीं मतलब निकले आया हमें मुखिया हमारे अंदर मतलब कोई विकास का काम। क्या नाम है मुखिया का? सूरज नायक। सूरज नायक, ये कितने साल से मुखिया रहे हैं इस क्षेत्र का? एक पंचवर्ष से जीता था पहले, उसके बाद विनोद जी हुए हैं और तीसरा पंचवर्षीय जो है मुखिया जीत गए, दूसरा पंचवर्षीय जो है। आप लोग जो वोट दिए होंगे मुखिया जी का क्या सोच के, क्या मतलब उद्देश्य लेकर? अरे यहाँ अति क्या कहता है पार्टी पॉलिटिक्स का कारण जो है ना, ये दूसरा बार मुखिया बन गया लेकिन एक भी जो है मतलब एक भी पंचायत के अंदर विकास का काम नहीं चले। विधायक जी के जो चुनाव सामने हैं और फिर से विधायक जी आपके क्षेत्र में आ रहे हैं तो क्या कीजिएगा उनसे? विधायक जी जो है सर एक भी विधायक जी के द्वारा जो है एक भी काम पंचायत के अंदर में और अति पूरा क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र के बात नहीं बता सकते लेकिन पंचायत के अंदर में जो है विधायक के द्वारा एक भी काम नहीं हुआ। आपके क्षेत्र का ये रोड कितने दिन से ये हालात है जर्जर जो है? 15 वर्षों से, 15-20 वर्ष से जो है आज तक इस रोड पे कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आप लोग इस बात को लेके आगे बढ़े? बहुत आगे बढ़े। क्या जवाब मिला आप? लेकिन कुछ नहीं, हम लोग बोल रहे हैं जैसे इतना नीचे है पानी के बारिश होती है, 500 आबादी वाले मोहल्ला है, 500 आबादी वाले मोहल्ला है, बारिश का मौसम है तो पूरा हम लोग सोचे कि जैसे मतलब नहर का सिस्टम नाला का सिस्टम बन जाएगा तो नदी में पानी निकल जाएगा। देखिए यहाँ की जनता एक तरफ कोरोना, दूसरे तरफ बारिश और तीसरे तरफ बाढ़ से बहुत ज़्यादा ग्रस्त हो चुका है। हमारे समक्ष अभी इस वार्ड के सचिव मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि नल जल का काम अभी तक क्यों रुका हुआ है, आपके क्षेत्र में नल जल का काम जो है क्यों रुका हुआ है सर? हमारे यहाँ जो है हम 6 नंबर वार्ड के वार्ड सचिव हैं, यहाँ जो है राशि ट्रांसफ़र नहीं हुआ अभी तक जो है, 2 इंस्टॉलमेंट 2 किस्त में पहली बार 3 लाख और दूसरी बार 2 लाख रुपया मिला है, जितना पैसा मिला हम उतना काम कर चुके हैं। अब जो है ऊपर से दबाव दिया जा रहा है, कुछ कमेटी के लोग हैं, कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं, वह जो है गैर कानूनी ढंग से हम पे दबाव देते हैं कि तुम काम करो उतना ही में, भाई जितना आपने राशि दिया हमने उतना काम किया, आप आके देख सकते हैं। और आप लोगों को कोई नोटिस भी हाल फिलहाल में मिला है? नोटिस मिला है, सिर्फ नोटिस मिला है लेकिन राशि नहीं मिला काम करने के लिए। नोटिस पर क्या लिखा हुआ था कि रिटर्न पैसा 12% अगर के साथ रिटर्न किया जाए? नहीं ऐसा कुछ, ऐसा कुछ नहीं था, राशि रिकवरी वाला बात कुछ नहीं था, राशि चूंकि मिला ही कम है उसमें मिला, पैसा मिला नहीं है लेकिन उसमें लिखता है कि वार्ड सचिव का घोर लापरवाही के वजह से काम नहीं हो रहा है, आप पैसा दीजिएगा उसके बाद में काम होगा। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमारे समाज के इस वार्ड के जो व्यक्ति हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमने क्या किया।
आपके पंचायत की यह हालात है, जनता एक तरफ मोहताज है विकास के लिए, फिर भी बार बार यहाँ से पंचवर्षीय चुनाव में मुखिया जी जीत जाते हैं, वही अशोक कुमार मुन्ना जी क्षेत्र में आ जाते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण जो है लोग बातों को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन इस बार समझ गए हैं। मुखिया जी हो या फिर हमारे विधायक जी हैं, उनको करारा जवाब इस बार मिलने वाला है। वो अपना सोच लें कि हमको करना क्या के लिए, तो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। एक महादलित विकास क्या कहते हैं उसको, टोला सेवक के जरिए जितना जो आबादी है उस आबादी के अनुसार टोला सेवक की 4 बहाली होनी थी। अभी हमारे यहाँ 500 आबादी है, लेकिन उस आबादी के अनुसार 4 सीट बन रहा था, आज तक बहाली नहीं हुआ, किसी का भी बहाली नहीं हुआ। ये मनरेगा का जो काम है, कई मुद्दा हम लोग लेकर जाते हैं लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। अगर हम अगर आवाज़ उठाते हैं तो कहता है कि तुम नेता बनते हो, आपकी आवाज़ को दबा दिया जाता, आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। तो फिर इस बात को लेके आगे, आप इस बात को लेके आगे नहीं बढ़ पाते हैं कि आप मेरे आवाज़ को दबाया जाता है जी, क्षेत्र में कहीं विकास नहीं है, कहीं विकास नहीं। इस सामाजिक तरीका से जो है ना लोग दबाव बनाते हैं कि इसको किस तरह डैमेज किया जाए। तो इस बार जो है आप लोग क्या कीजिएगा, फिर विधानसभा चुनाव सामने है तो उसका करारा जवाब हम लोग देने के लिए तैयार हैं, खास करके महादलित टोला में। पूरा महादलित टोला है, यहाँ के हालात बहुत गंभीर है। अभी तक ना मुखिया, विधायक, सरपंच, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, जनप्रतिनिधि के द्वारा यहाँ के क्षेत्र में विकास नहीं किया गया है, लेकिन एक तरफ कहीं ना कहीं बिहार सरकार बोल रही है कि क्षेत्र में विकास हुआ है। क्या हुआ है? आप लोग जीत कमेटी अभी नल जल चलाने में तैयार है, लेकिन यहाँ तो चाहते हैं पब्लिक लोग हमको दे दिए, हमको ले लिए, पंकज जी नहीं करेंगे हम बनेंगे। आप लोग के मुखिया जी आप लोगों को कुछ दिए कि नहीं? नहीं, मुखिया जी हमको नहीं कुछ। पिछले पंचवर्षीय चुनाव विधानसभा चुनाव जो हुआ था उसके बाद आज तक विधायक जी नहीं आए आप लोग मिलने? नहीं आया। देखिए इस क्षेत्र का विकास आप सामने देख रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार, कैमरामैन रोशन के साथ सौरभ चौधरी की रिपोर्ट।